नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो तुला राशि वालों, 7 मई 2022 से जीते जी नरक की सजाए इस दिन आपको भोगनी पड़ सकती है। जी हाँ मित्रों, पापों का घड़ा अब पूरी तरीके से भर चुका है। आने वाले इस दिन में कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली है, जिसे सहन कर पाना या फिर देख पाना आपके लिए काफी कठिन होगा। सबसे पहले दोस्तों, यदि इस दिन का पंचांग अगर देखा जाए, ग्रहों की स्थितियों पर अगर नजर डाली जाए, तो आपको बता दें वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी इस दिन तिथि आ रही है। पूर्ण वसु नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। साथ ही दोस्तों, शुल योग बन रहा है। सूर्य इस दिन मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा कर्क राशि में संचार करते हुए नजर आने वाले हैं। ग्रह गोचर की सभी परिस्थितियां दोस्तों आने वाले इस दिन में तुला राशि के लिए बहुत बड़ी बड़ी सावधानियां दर्शा रही है। इन सावधानियों को दोस्तों आज आपको ध्यान से सुनना होगा, तभी आप आने वाले इस दिन का सामना कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप सभी भी एक तुला राशि के जातक हैं, खुशी के साथ माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय माँ दुर्गा लिख देगा, सीधा आशीर्वाद माता रानी का एवं गुरुदेव का प्राप्त करेगा। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, तभी सभी सावधानियां समझ पाएंगे। आइए बिना देर के आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरुदेव के आज के खास अनमोल ज्ञान के बारे में। गुरुदेव का ज्ञान बिल्कुल ध्यान से कान लगा कर सुनिएगा, जीवन में आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं, जिस राह पर आप अकेले जा रहे हैं, जिस राह पर आप अकेले जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर दोस्तों आपका साथ कोई नहीं देगा। और जिस मार्ग पर, जिस राह पर लोग आपके साथ चलने लग जाए, समझ लेना कि आप कोई गलत मार्ग अपना रहे हो या फिर लोगों के बहकावे में आकर गलत निर्णय ले रहे हो। इसीलिए मित्रों, गुरुदेव कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर हमेशा कठिनाइयां होती है और मनुष्य अकेला रह जाता है। तो गुरुदेव का ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय पवन पुत्र जरूर लिख दें। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके आज की खास महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, काम काज की बात करें तो इस राशि के जो व्यापारी लोग हैं, आज उनके ऊपर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां मित्रों, आज आपको आर्थिक समस्याएं घेर सकती है। हाथ आया आया लाभ भी आपके हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों, आज आपको जो भी अवसर मिले, आप उसे दोनों हाथों से अपना लें एवं अपने कामों में किसी भी प्रकार की भूल या गलती ना करें, अन्यथा आपके अवसर आपके हाथों से फिसल सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को बता दे दोस्तों, पैसों की तंगी इस दिन आपको झेलनी पड़ सकती है। जैम तो आपका वेतन आता आता अटक सकता है। उसी के साथ दफ्तर में आप जो इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, इतने सालों से जो आप परिश्रम करते आ रहे हैं, आपकी तरक्की में भी दोस्तों आज बाधाएं आती हुई नजर आ रही है। इसलिए दोस्तों, दफ्तर में इस दिन आपको बहुत मन लगा कर काम करना होगा। अपने सहकर्मियों के साथ दोस्तों इधर उधर की बातों में बिल्कुल भी समय नष्ट ना करें, अन्यथा आपको अपने उच्च अधिकारियों का गुस्सा क्रोध सहन करना पड़ सकता है। साथ ही मित्रों, निजी जीवन की यदि बात करें, तो जीवन साथी के साथ किसी मामूली, किसी छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, अनबन हो सकती है। आपका उग्र स्वभाव आपके जीवन साथी को नाराज कर देगा। इसलिए मित्रों, आज आपको अपनी वाणी में कुशलता, अपने स्वभाव में नम्रता लाने का प्रयास
करना होगा। यदि आप ऐसे ही क्रोध में आकर फैसले लेंगे, गुस्से में आकर बात करेंगे, तो दरारें बढ़ती चली जाएगी और मतभेद लंबे होते जाएंगे। नकारात्मक विचारों को दोस्तों आज आप खुद पर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। जी हाँ मित्रों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आज आप जितना सकारात्मक रहेंगे, जितना अच्छा सोच सकेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा और आपके साथ उतना ही अच्छा होगा। परंतु यदि आप नकारात्मक विचारों में घिर जाएंगे, नकारात्मक विचारों में फंस जाएंगे, तो दोस्तों आपके बनते बनते अच्छे अच्छे काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए आज आपको अपनी सोच बदलने का प्रयास करना होगा और आप देखेंगे कि इतना सा काम यदि आप कर लेते हैं तो चीजें आपके पक्ष में रुख करने लगेगी। साथ ही मित्रों, आज व्यापार में आपको कई सारे बड़े बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसे मित्रों, जल्दबाजी या लापरवाही एवं हड़बड़ाहट में आकर आज आप कोई भी फैसला न लें, वही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि मित्रों, आज आपके दुश्मन आपको अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी पूरी कोशिश आपकी तरक्की में बाधाएं डालने की हो रही है। ऐसे में दोस्तों, आज के दिन यदि आप कोई भी महत्वपूर्ण फैसला, कोई भी बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, तो आपको पहले अच्छे अनुभवी लोगों से, अपने शुभ चिंतकों से बात कर लेनी चाहिए। बड़ा बदलाव दोस्तों जल्दबाजी में मत करना, अन्यथा नुकसान सहन करना पड़ सकता है। साथ ही पारिवारिक जीवन आज आपका खुशहाल नजर आ रहा है। परिजनों के साथ बहुत बढ़िया समय बीतने वाला है। उसी के साथ दोस्तों आप देखेंगे कि अपनों के साथ जो आपके मन मुटाव चल रहे थे, जो लड़ाई झगड़े आपके अपने परिवार में चल रहे थे, वह सभी इस दिन दूर हो सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी दोस्तों आने वाला यह दिन आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। आपको अतिरिक्त धन कमाने का मौका, अवसर प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से जो आर्थिक प्रयास, जो आर्थिक कोशिशें आप करते जा रहे थे, इस दिन आपको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपके वरिष्ठ अधिकारी आज आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग की जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। यानी दोस्तों, दफ्तर में आज आप पर कार्यभार बढ़ सकता है। किसी महत्वपूर्ण काम के सिलसिले में दोस्तों आज आपको कहीं बाहर जाने का मौका भी मिलने वाला है। ऐसे मित्रों, दफ्तर में जितने भी काम आपको दिए जाए, जितने भी जिम्मेदारियां आप पर सौंपी जाए, आप उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अपनी गलतियों के बारे में या फिर अपनी कमजोरियों के बारे में अपने सहकर्मियों को आप कानोकान भनक तक ना लगने दे। क्योंकि मित्रों, आपके अपने ही लोगों में आपके कई सारे दुश्मन छुप बैठे हैं, जो चारों ओर से आप पर और आपके घर परिवार पर वार कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अब आपको खुद को तो बचना ही है, साथ ही अपने परिवार में और अपने घर में भी सुरक्षा का ताला आपको लगाकर रखना होगा। क्योंकि दोस्तों अपने शत्रुओं से तो आप लड़ लेते हैं, परंतु जो आपके अपनों में शत्रु छुपे हुए हैं, जो पीठ पीछे आप पर वार कर रहे हैं, जो आस्तीन के सांप बनकर बैठे हैं, उनसे बच पाना इस दिन आपके लिए कठिन साबित हो सकता है। इसलिए सावधान रहना। तो दोस्तों यह थी कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ आवश्यक बातें जो थी दोस्तों आपके आने वाले दिन को लेकर। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो, वीडियो भी आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। साथ ही दोस्तों जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय पवन पुत्र जरूर लिख दें। उसी के साथ यदि आप भी रोजाना प्रतिदिन ऐसी ही ज्ञान वर्धक वीडियोस को प्राप्त करना चाहते हैं, आगे भी अगर आप सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दोस्तों आपको भी प्रतिदिन
ऐसी ही ज्ञान वर्धक वीडियोस मिलते रहे। अभी के लिए इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।